तो यार आजकल ना एक ब्रेकअप मेथड बहुत ट्रेंडिंग में है, एंड दैट्स कॉल्ड स्लो डंपिंग और स्लो ब्रेकअप। तो इसमें होता क्या है कि जो भी बंदा या बंदी स्लो ब्रेकअप करना चाहता है, पहले उसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आता है, एंड फिर उसके बाद वो उस थर्ड पर्सन से पूरी तरह से मेंटली एंड इमोशनली अटैच होता है। और जब ये अटैचमेंट का प्रोसेस चल रहा होता है, बिल्कुल उसी समय दूसरी साइड में डिटैचमेंट होना शुरू हो जाता है। इससे वो अगला इंसान जो स्लो डंपिंग का शिकार हो रहा होता है, वो परेशान होने लगता है, क्योंकि वो अभी भी उससे उतना ही प्यार करता है ना। एक इनसिक्योरिटी पैदा होने लगती है उसके अंदर, वो बात करना चाहता है, चीज़ें सॉर्ट करना चाहता है, बट इस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो बस उसकी एक गलती का इंतज़ार कर रहा होता है कि बस एक बार ये कुछ गलत बोले मुझसे और इससे ब्रेकअप करने का बहाना मिल जाए। मतलब अपनी गलती को जो लूजिंग एंड पर है उस पर थोप कर निकल लो। और अगला इंसान ज़िंदगी भर परेशान रहे कि अगर उसने वो गलती शायद ना की होती तो वो इंसान मेरे साथ अभी भी होता। फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट डू दिस। तुम अगले बंदे को जिससे तुम कुछ समय पहले तक बहुत प्यार करते थे, तुम उसको एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर भेज रहे हो। वो अब किसी और पर लाइफ टाइम ट्रस्ट नहीं कर पाएगा और लाइफ टाइम इनसिक्योर रहेगा। जस्ट बी श्योर व्हेन यू स्टार्ट रिलेशनशिप विद समवन इन योर लाइफ।